अस्सलामु अलैकुम एसएल स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। एसएसटी क्लास 4 स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट कमिंग ऑफ इस्लाम इन सिंध। प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 40। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि इस रीजन में बहुत सी अकवाम आई और मुख्तलिफ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ अकवाम ने यहाँ पे रूल ओवर किया और सबसे आखिर में यहाँ पर इस्लाम आया। तो उसके हम पढ़ेंगे कि वो किस इस्लाम इस एरिया में किस तरह से दाखिल हुआ या इस्लाम मुसलमान इस एरिया में कैसे दाखिल हुए। AD 712 AD बार बार बता चुकी हूँ मैं आपको, ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है 93 AH मीन आफ्टर हिजरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन। By that time, sea trade had developed between India and Arabia. Sometimes the ships were attacked by pirates along the coast. यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये इस इलाके की हिस्ट्री का बहुत अहम साल है कि इस साल में क्या था कि इंडिया और अरब के दरमियान में तजारत का काम शुरू हुआ इसके थ्रू, ships के थ्रू, बहरी जहाज़ों के थ्रू। ठीक है, ships carrying precious gifts from Sri Lanka for Hajjaj bin Yusuf। अब श्रीलंका से हज्जाज बिन यूसुफ द गवर्नर ऑफ इराक वर लोटेड बाय द पायरेट्स नियर द पोर्ट ऑफ दैबल ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध। यानी कि सिंध के सहरा के सिंध का जो है साहिल उसके करीब श्रीलंका से बहरी जहाज़ कीमती तहाइफ इराक के बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ के लिए लेकर आ रहा था, उसको लूट लिया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर लूटा गया, सिंध के करीब लूटा गया। उस वक्त क्या था, हज्जाज आस्क राजा दाहिर ऑफ दैबल टू फ्री द शिप्स एंड पनिश द पायरेट्स। राजा दाहिर हाउएवर सेड ही कुड नॉट कंट्रोल द पायरेट्स। हज्जाज देन सेंड मोहम्मद बिन कासम टू फाइट द पायरेट्स एंड रिलीज द शिप्स। मोहम्मद बिन कासम सक्सेसफुली डिफीटेड द पायरेट्स एंड लेटर ब्रॉड द होल एरिया ऑफ सिंध एंड पार्ट्स ऑफ द पंजाब एज फार एज मुल्तान अंडर हिज कंट्रोल। हिज रिमेंड एज अर्ब टेरिटोरी फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। ही आल्सो ब्रॉड इस्लाम टू द एरिया एंड द फेथ स्प्रेड थ्रू आउट सिंध एंड द पंजाब। स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन कासम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था और सबसे कम उम्र जंगजो था। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को फतह किया तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासम की उम्र तकरीबन 17 साल थी। सिंध के करीब राजा दाहिर हुकूमत करता था, ठीक है, दैबल पे। तो उस हज्जाज बिन यूसुफ ने दैबल को पैगाम, राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि वो इस काफ़िले से, ये लोट मार वाले जो काफिला है इससे हमारे जहाज़ को छुटकारा दिलाए, उसको आज़ाद करवाए। तो राजा दाहिर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब फिर अपने भतीजे को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ को उस शिप में सवार एक औरत ने ख़त लिखा कि हमारे जहाज़ पे इस तरह से हमला हो गया, और वो किसी तरीके से उसने हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुँचाया। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे को सिंध की तरफ रवाना किया। वो एक बहादुर जंगजू था जिसने ना सिर्फ सिंध को फतह किया, उस जहाज़ को छुड़वाया, बल्कि सिंध और इस एरिया के तकरीबन पंजाब के मोस्टली इलाके को उसने फतह कर लिया और वहाँ पे इस्लाम को फैलाया। और बहुत अरसे तक फिर वो यहाँ पर उसने क़याम किया। तकरीबन 300 साल तक अरब्स की हुकूमत जो है वो इस रीजन पे रही है। आप इस पिक्चर को भी अगर गौर से देखो तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा आपकी को। पहले देखें, ये एरो जो शो कर रहा है ये मोहम्मद बिन कासम का इराक से आना है, ठीक है। अब यहाँ से इसने इस एरिया में वो दाखिल हुआ इस रास्ते से, और इस रास्ते से दाखिल होने के बाद ये जितना एरिया है उसने सारा का सारा फतह कर लिया। यहाँ पे इस्लाम को फैलाना शुरू किया, ठीक है। ये अरेबियन सी है, ये इस साइड से नॉर्थ वाली साइड से शिप आते हुए यहाँ पर इसको किया गया, इस पर इसको लूटा गया, इस पर कब्ज़ा किया गया। और उसके बाद इसने, क्योंकि इस रास्ते से होते हुए इराक में जाना था, लेकिन यहाँ पर ही उस शिप को
उस शिप को लूटा गया। तो उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे हमला किया और देहबल का जो कला था उसको फतह किया और उसके बाद इस्लाम को इस एरिया में फैलाया। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला, इस्लाम जब इस एरिया में दाखिल हुआ, तो कम टू द नेक्स्ट पेज। रिज़ल्ट ऑफ द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, सबसे पहले क्या है, हिंदूज़ वर ट्रीटेड काइंडली, यानी कि उन्होंने उस हिंदुओं पे कोई जुल्म सितम नहीं किया बल्कि उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। और यही वजह है कि उस वक्त उसी चीज़ से मुतासर होकर बहुत से हिंदू मुसलमान हुए थे, और जिसके बारे में फिर कायदे आज़म ने भी कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, यानी कि सिंध के इलाके में मोहम्मद बिन कासिम के हाथों पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। अब मोहम्मद बिन कासिम की रोल ओवर होने से इस्लाम इस एरिया में बहुत तेज़ी से फैला था। अ फेयर सिस्टम ऑफ लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड विद हैड नो कास्ट सिस्टम, हिंदुओं में कास्ट सिस्टम होता है, यानी कि वो मुख्तलिफ कास्ट में बटे हुए हैं और नीच कास्ट है, यानी कि ऊंची का ज़ात और ज़ात पात के निज़ाम में ऊंचा नीचा देखते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं था। तो उनको ये चीज़ पसंद आई जिससे वो मुतासर होकर मुसलमान होना शुरू हुए। नेटिव्स अडॉप्टेड द अरबिक स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो यहाँ के बाशिंदे थे उन्होंने अरब तर्ज ज़िंदगी को अपनाना शुरू किया, अरब की ज़िंदगी को अपने अंदर लागू करना शुरू किया। द एरिया इंजॉयड अ पीरियड ऑफ पीस, इस एरिया में अमन का बोलबाला हुआ। देहबल दाहिर एक हिंदू था, रूलर था, और यहाँ पे ज़ात पात का निज़ाम था। ज़ात पात के निज़ाम में अगर किसी छोटी ज़ात के बंदे से कोई गलती या गुनाह सरज़द हो जाता तो उसको बहुत बुरी तरह से सज़ा दी जाती थी, लेकिन इस्लाम के आने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। मॉस्क और बेल्ट एंड इस्लाम स्पेयर मस्जिदें बनाई गईं और इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। पायरेट्स वर डिफीटेड एंड द ट्रेड इंक्रीज विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना थ्रू आर पोर्ट्स। अब जब जो ये थे कब्ज़ा करने वाले डाकू वगैरह थे उनको शिकस्त दी गई, और उसको शिकस्त देने के बाद साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के दरमियान पोर्ट्स के थ्रू कारोबार वसी हुआ और तजारत का निज़ाम बढ़ा। यानी कि एक इस्लाम आने से इतने ज़्यादा बेनिफिट्स इस इलाके को हासिल हुए, और इसी वजह से जो है ये इस इलाके ने दिन ब दिन तरक्की की। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस लेसन, आपको ये लेसन उम्मीद करती हूँ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।